नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 9 जिलों की 55 सीटों पर आज 14 फरवरी को दूसरे चरण में बंपर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर कुल मिलाकर 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में पैक कर देंगे, जो 10 मार्च को परिणाम आने के दौरान ही ओपन होगी। कुल मिलाकर के 14 फरवरी को आज दूसरे चरण का मतदान होने के दौरान ही विपक्ष में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव जो सपा मुखिया भी हैं, उनकी तरफ से बहन मायावती को लेकर के एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बसपा सपा को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है, यानी कि बहन मायावती की पार्टी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। जिस तरह से ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम माना जाता है, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जाता है, उसी तरह से अखिलेश यादव ने आज बहन मायावती की पार्टी बीएसपी को भी बीजेपी की बी टीम बताते हुए साफ कहा है कि बीएसपी सिर्फ सपा को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि प्रथम चरण की 58 सीटों पर मतदान के बाद भी अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए थे, ईवीएम पर सवाल उठाए गए, कांग्रेस भी पूरी तरह से सूपड़ा साफ होते हुए देखी गई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, और अब बहन मायावती सहित ईवीएम का रोना रोना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ दोबारा काबिज होते हुए विपक्ष को दिखाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से, या कह सकते हैं कि एसपी और आरएलडी के गठबंधन की तरफ से बहन मायावती पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आधार पर ही 2017 में इन 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी सपा बसपा टीएमसी कांग्रेस इन सब पार्टियों के एक महागठबंधन को भी इन 55 सीटों पर जनता जनार्दन ने करारा जवाब दिया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को कामयाब बनाने का, या कह सकते हैं कि उन्हें मजबूत बनाने का एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। और आज जिस तरह से दूसरे चरण की जो मतदान चल रहा है, उसी दौरान अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने बहन मायावती सहित ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि सपा को हराने के लिए बीएसपी है वो चुनावी मैदान में उतरी है, ना कि जीतने के लिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दलित समर्थित बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और दलितों के समर्थन की वजह से, यूपी की जनता जनार्दन के समर्थन की वजह से बहन मायावती लंबे समय तक यूपी की मुख्यमंत्री भी रही थी। और अब जिस तरह से बहन मायावती को लेकर के अखिलेश यादव ने जो पोकलाट दिखाई है, उससे ये साफ हो चुका है कि एसपी और आरएलडी का सूपड़ा साफ होता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस तो प्रथम चरण में ही पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, 0/0। कई सर्वे में दिखाया गया, एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका पूरी तरह से सूपड़ा साफ यूपी में हो गया और 58 सीटों में 0/0 रही। उसी तरह से दूसरे चरण में भी कांग्रेस खाता खोलेगी या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करके कांग्रेस ने अपना जो महत्व है वो सब स्पष्ट कर दिया है कि यूपी के अंदर कांग्रेस का सफाया हो चुका है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ईवीएम और बहन मायावती की पार्टी बीएसपी पर गंभीर आरोप लगा करके ये साफ कर दिया है कि एसपी और आरएलडी के गठबंधन को भी दूसरे चरण में बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा पूरी तरह से यूपी में उछाला जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही खतरनाक राज्य हुआ करता था, और योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा सुधारा है। उसका फायदा बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को मिलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा शिक्षा हुई, इसको लेकर के डेवलपमेंट भी हुए, इसके अलावा ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर के भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुए, इसके अलावा बेरोजगारी, गन्ना फसल, किसान कर्ज माफी आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इन 55 सीटों पर जनता जनार्दन है वो धड़ाधड़ वोटिंग कर रही है। मतदान का प्रतिशत भी काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसी हॉट सीटें भी है
जहां पर लड़ाई है वो त्रिकोणीय भी हो चुकी है, जैसे रामपुर सीट हुई। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, लेकिन बीएसपी को बीजेपी की टीम बताना ये कहीं ना कहीं एसपी और आरएलडी के गठजोड़ को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एसपी और आरएलडी के गठबंधन को इस बात का अनुमान हो चुका है कि दूसरे चरण में उनका सफाया हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने ईवीएम खराबी, ईवीएम में हैकिंग आदि जो सवाल खड़े करने अखिलेश यादव ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन लाल टोपी को लेकर के जो बयानबाजी लगातार हो रही है इस चुनावी मैदान में, उसको ध्यान में रखें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के बीच में एक लोकप्रिय चेहरा भी हैं, और जिस तरह से करप्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ही देन है, बीजेपी सरकार की देन है, और योगी मोदी की जोड़ी द्वारा जो विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, किसान मजदूर का ख्याल रखा जा रहा है, कानून व्यवस्था को महत्व दिया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है वो खूब पसंद कर रही है। इसीलिए दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान ही अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए, और उन्होंने एसपी और आरएलडी के गठबंधन की जो सर्वे करवाई होगी अपने अंतरिम सर्वे, उसमें उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ साफ साफ दिखाई दिया होगा, और यही कारण रहा कि उन्होंने बीएसपी मायावती को एक तरह से बीजेपी की बी टीम बता दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। अभी तक 2 चरणों के मतदान ही हुए हैं, हालांकि 1 चरण का संपन्न हुआ है और दूसरे चरण का अभी चल रहा है, शाम को 6-7 बजे तक वोटिंग होगी, और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रही है, जनता जनार्दन के मुद्दे रहे हैं, और उन मुद्दों पर जो वोटिंग जनता जनार्दन कर रही है उससे अखिलेश यादव पूरी तरह से डर डर गए हैं, और यही कारण रहा कि ईवीएम को लेकर के बखेड़ा खड़ा करना अभी से अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, इन तीनों चेहरों को लेकर के जो जनता जनार्दन अपना मतदान कर रही है उनमें भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि योगी मोदी की जोड़ी को मजबूत कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, और उसी की बौखलाहट के कारण अखिलेश यादव पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम विपक्ष द्वारा बताया जा रहा था, और अब बीएसपी को भी योगी आदित्यनाथ की बी टीम बता दिया गया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि सपा को हराने के लिए बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में एसपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर के बहुत बड़ा झटका लगता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं एसपी और आरएलडी का सूपड़ा साफ होता हुआ अखिलेश यादव को दिखाई दिया, और यही कारण रहा कि उन्होंने बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान किस तरह के मुद्दों पर वोटिंग चल रही होगी, आने वाले 10 मार्च को यूपी का सीएम कौन बनेगा, अखिलेश, मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।